बी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। अभिनेता अमिताभ बच्चन एक ट्वीट को लेकर ट्रोल किए जा रहे हैं। ट्वीट इशारों में है, जिसके चलते लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री अजित पवार विधायकों पर मेहरबान है, उन्हें खुश करने के लिए विधायक निधि को 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का फैसला किया गया है। तो भाजपा विधायक आशीष शेलार ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ई बसों के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो पाकिस्तानी एजेंट से जुड़ी हुई है। उधर स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि बोर्ड की परीक्षा में यदि किसी स्कूल में नकल कराने का मामला सामने आएगा तो उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी बीच बीएमसी ने सोसाइटियों और स्लम में ही गीले कचरे से खाद बनाने तथा घर में उत्पन्न सूखे और खतरनाक कचरे के निस्तारण की योजना बनाई गई है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अमिताभ बच्चन की फिल्म बेमिसाल का एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल है। इस सीन में उन्होंने कश्मीर को मुगलों की खोज बताया था। कई लोग बॉलीवुड को प्रोपेगेंडा फैलाने और झूठ फैलाने वाला बताकर फिल्म का ये सीन शेयर कर रहे हैं। इस क्लिप के वायरल होने के बाद अमिताभ बच्चन के ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसा ट्वीट दिखा जिस पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन का ट्वीट इशारों में है, उन्होंने साफ नहीं लिखा है कि वो किस बारे में लिख रहे हैं। हालांकि लोग इसके अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि हमको वो पता चल गया है जो पहले कभी पता नहीं था। इस ट्वीट पर लोगों ने अमिताभ बच्चन को ट्रोल किया। कुछ लोग मान रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने कश्मीर में हुई त्रासदी के बारे में लिखा है, तो कई लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी वायरल क्लिप के बारे में सफाई दी है। एक यूजर ने लिखा है कि लेकिन बोलने की हिम्मत अभी भी नहीं आई। उनके एक फॉलोअर ने क्लिप शेयर करके लिखा है कि आप जैसे लोग हमें मूर्ख बनाते रहे। वायरल क्लिप 1982 में आई फिल्म बेमिसाल की है। इसमें अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, एक बात आपको मालूम है प्रशांत, तुझे नहीं मालूम तो सुन ले, इंडिया में जितने हिल स्टेशन हैं, सबके सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए हैं। एक कश्मीर ही है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। इस पर राखी कहती है, मुगलों का तो जवाब ही नहीं, उनका म्यूजिक। महाराष्ट्र सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि कर्ज लेकर कर्मचारियों को वेतन देना पड़ रहा है। उन पर भी वित्त मंत्री अजित पवार विधायकों पर मेहरबान है, उन्हें खुश करने के लिए विधायक निधि को 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का फैसला किया गया है। साथ ही विधायकों के ड्राइवरों का वेतन 20,000 रुपए और निजी सहायकों का वेतन 30,000 रुपए करने की घोषणा है। लेकिन पवार ने द कश्मीर फाइल्स को कर मुक्त करने से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री ने माना कि राज्य की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है, फिर भी राज्य को कर्ज से बाहर लाने के लिए राजस्व घाटा कम करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य की आम जनता पर किसी प्रकार का बोझ नहीं पड़े और राज्य की गाड़ी सुचारू रूप से चले, विकास बाधित न हो, ऐसा प्रयास बजट में किया गया है। कर्ज बढ़ाने का हवाला देते हुए कि राज्य में कोरोना संकट व बार बार बेमौसम बारिश और तूफान के कारण कर्ज लेना पड़ रहा है, फिर भी संकट को मात देते हुए राज्य प्रगति पथ पर चल रहा है। वित्त मंत्री पवार के विधायक निधि बढ़ाने की घोषणा करते ही सत्ताधारी पक्ष के विधायकों ने मांग की कि दादा अब गाड़ी चाहिए। इसके उत्तर में पवार ने कहा कि अभी हम इलेक्ट्रिक कार का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं इसकी कीमत कितनी है, फिर इस पर फैसला करेंगे। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ई बसों के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो पाकिस्तानी एजेंट से जुड़ी हुई है। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि मामला अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए इसकी जांच में केंद्र सरकार से मदद ली जाएगी। बता दें कि हाल ही में बेस्ट बसों के बेड़े में नई ई बस लेने का फैसला लिया गया है। राज्य शासन की तरफ से पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और उद्योग मंत्री सुभाष देसाई की उपस्थिति में 1 अक्टूबर 2021 को हुए करार में संबंधित कंपनी को 2,800 करोड़ रुपए देने की बात मंजूर की गई थी। इस कंपनी का सीईओ व कनाडा का नागरिक तुमलुरी है। तुमलुरी का नाम विश्व स्तर पर घोटालेबाज के रूप में कुख्यात है। जिस तरह भारत ने नीरव मोदी को घोटालेबाज के रूप में घोषित किया है, उसी तरह तुमलुरी को यूरोपियन यूनियन सहित माल्टा कनाडा ने हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में फरार घोषित किया है। शेलार ने कहा कि इस कंपनी में 2 बड़े निवेशकों के पैसे लगे हैं, जिसके नाम पनामा पेपर में घोषित किए गए हैं। इसमें से एक शौकत अली अब्दुल गफूर पाकिस्तानी एजेंट है और लीबिया में काम करता है। शेलार ने इस व्यक्ति का फोटो परवेज मुशर्रफ के साथ दिखाया और बताया कि ये व्यक्ति हवाला रैकेट चलाने वाला और हथियारों का सौदागर है। इस कंपनी में एक अन्य व्यक्ति ने निवेश किया है, जिसका नाम असद अली शौकत है, वो भी पाकिस्तानी नागरिक है जो दुबई में रहता है और हवाला रैकेट चलाता है। प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि बोर्ड की परीक्षा में यदि किसी स्कूल में नकल कराने का मामला सामने आएगा तो उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
इससे संबंधित स्कूल को भविष्य में कभी बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं मिल सकेगी। गायकवाड़ ने कहा कि कक्षा 10वीं की मराठी विषय की परीक्षा में नकल कराने के मामले में औरंगाबाद के पैठण तहसील के लक्ष्मीबाई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय का मान्यता रद्द करने का फैसला लिया गया है। गायकवाड़ ने दावा करते हुए कहा कि कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की परीक्षा में कहीं पर भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। हर जगह परीक्षा शुरू होने के बाद प्रश्न पत्र वायरल होने की घटना हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण हर स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, इसलिए गृह विभाग से परीक्षा केंद्रों के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी गई है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पुलिस सुरक्षा के बारे में उचित निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी परीक्षा केंद्रों पर दौरा करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग की ओर महाराष्ट्र बोर्ड को हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जिससे लोगों को परीक्षा से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। गायकवाड़ ने महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 12वीं और 10वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से परीक्षा केंद्रों पर एक घंटे पहले आने की अपील की है। राहत देते हुए ये भी कहा है कि किसी कारणवश कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा केंद्रों पर देरी से पहुंचेगा तो उसकी पूरी जाँच की जाएगी, उसके बाद ही उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल सकेगी। मुंबई महानगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए बीएमसी ने कुर्ला से घर पर ही कचरे के डिस्पोजल के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इसमें सोसाइटियों और स्लम में गीले कचरे से खाद बनाई जाएगी और घर में उत्पन्न सूखे कचरे और खतरनाक कचरे का निस्तारण किया जाएगा। घन कचरा विभाग की उपायुक्त संगीता हसनाले ने कहा कि गीले कचरे के लिए हरे रंग के डिब्बे और सूखे कचरे के लिए नीले डिब्बे और खतरनाक कचरे के लिए काले डिब्बे उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि बीएमसी ने 2 अक्टूबर 2017 से सोसाइटियों के लिए कचरे का प्रबंधन करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें 20,000 वर्ग मीटर से अधिक बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों और 100 किलो से अधिक कचरा पैदा करने वाली सोसाइटियों, भवनों व प्रतिष्ठानों को गीले कचरे का निपटारा करना अनिवार्य किया गया है। ऐसा करने वाली सोसाइटियों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट दिया जा रहा है। गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने के लिए 3 लेयर वाले कंपोस्टिंग डिब्बे उपलब्ध कराए जाएंगे। एक डिब्बा भरने के बाद दूसरा और तीसरा डिब्बा भरने की व्यवस्था की जाएगी। एंजाइमा के प्रयोग से कंपोस्टिंग से कोई दुर्गंध नहीं आएगी। खाद तैयार होने के 3 महीने बाद बीएमसी उसे ले लेगी या सोसाइटी अपने परिसर में प्लांट गार्डन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है या मुंबई में सब्जियां उगाने के लिए किसानों को ये खाद मुफ्त में दे दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए स्लम सोसाइटियों को लगभग 240 लीटर क्षमता के डिब्बे उपलब्ध कराए जाएंगे। कश्मीरी लेखक और एक्टिविस्ट जावेद बेग ने सोशल मीडिया पर कश्मीरी पंडितों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि हम सबको सामूहिक रूप से कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए किसी मूवी की जरूरत नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, अपराधी जुर्म न करने की कसम खाने लगे हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव में हार के बाद एक बार फिर कलह का सामना कर रही कांग्रेस की मुश्किलें केरल ने और बढ़ा दी है। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर सुनाए गए फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने आज कर्नाटक बंद बुलाया है। इसी बीच अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल के सीईओ धनंजय तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने उनके इस्तीफे के कारणों का खुलासा नहीं किया है। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ अत्याचार फिर से चर्चा में है। अब कश्मीरी लेखक और एक्टिविस्ट जावेद बेग ने सोशल मीडिया पर कश्मीरी पंडितों से माफी मांगी है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मैं कश्मीरी मुस्लिम हूँ, हमारी बहन गिरजा टिक्कू के जीते जी टुकड़े कर दिए गए, ये कश्मीरी मुस्लिम परिवारों ने किया जिनके हाथों में पाकिस्तान ने आज़ादी के नाम पर बंदूकें थमा दी थी। यह सच है, प्रोपोगंडा नहीं। मैं पंडित बिरादरी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जावेद ने एक और ट्वीट किया है कि मैं कश्मीरी पंडितों के पहले हत्याकांड का गवाह हूँ, जो कि नवरोज के दिन 21 मार्च 1997 को संग्रामपुरा बिरवाह में मेरे होम टाउन में हुआ था। मुझे दुख होता है और मैं शर्मिंदा हूँ। दर्जनों कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, मैंने वो देखा है। नहीं वे लोग आज़ादी रोक रहे थे, नहीं वे किसी कश्मीरी मुसलमान को मार रहे थे, निहत्ते लोग थे। निहत्ते लोगों के साथ आप जो कर रहे हो वो जुल्म नहीं तो क्या है? जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा है वे हमारी ही बस्तियों के हमारे ही लोग थे। कश्मीरी पंडित कोई गैर नहीं थे। इसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से कश्मीरी पंडितों से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके लिए किसी मूवी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बस ज़मीर की ज़रूरत है। इस्लाम में भी लिखा है कि अगर कहीं युद्ध हो और आपके इलाके में कोई गैर मुस्लिम है तो उसकी इज्जत, जिंदगी और प्रॉपर्टी को बचाना आपका फ़र्ज है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, अपराधी जुर्म न करने की कसमें खाने लगे हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में अपराधियों के हुए ताबड़तोब एनकाउंटर और एक बार फिर बदमाशों के खिलाफ सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जाने की संभावना को देखते हुए अपराधियों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है।
कल बुधवार को चिल्काना थाने में 4 हिस्ट्री शीटरों ने पहुंचकर पुलिस के सामने हाजिरी लगाई। पिछले 2 से 3 दिनों में यूपी के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 मार्च के बाद बदमाशों की गर्मी उतारने और मई जून में शिमला बना देने का वादा किया था। ताजा मामला सहारनपुर में चिल्काना थाने का है। एसओ सत्येंद्र राय ने 2 दिन पहले चिल्काना थाने का चार्ज संभाला था। इसके बाद उन्होंने हिस्ट्री शीटरों की निगरानी कराई। रात को जब पुलिस ने घर पहुंचकर दबिश दी तो खलबली मच गई। इसके बाद 4 हिस्ट्री शीटर लाइन लगाकर थाने पहुंचे। सभी ने अपराध न करने की कस्में खाई, साथ ही कहा कि वह गांव में ही रहकर अपना काम करेंगे, जब भी पुलिस बुलाएगी थाने पहुंचकर हाजिरी लगाएंगे। चिल्काना के बाद गागलहेड़ी थाने में भी हिस्ट्री शीटर गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे और पुलिस के सामने हाथ जोड़कर अपराध से तौबा की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार दोबारा बनने से उन्हें इनकाउंटर का डर सता रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में हार के बाद से एक बार फिर कलह का सामना कर रही कांग्रेस की मुश्किलें केरल ने और बढ़ा दी है। राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में है और उसके लिए हाईकमान ने पार्टी के सचिव श्रीनिवासन कृष्णन को नॉमिनेट कर दिया है। इसे लेकर स्टेट यूनिट में बवाल मच गया है। प्रदेश यूनिट के नेता इससे खफा है और उनकी ओर से लीडरशिप को कहा गया है कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। स्टेट यूनिट की ओर से कहा गया है कि उनकी ओर से भेजे गए प्रस्ताव को महत्व दिया जाना चाहिए था। प्रदेश अध्यक्ष के सुधाकरन ने पार्टी लीडरशिप से कहा है कि उनकी इच्छा है कि किसी युवा नेता को मौका मिले। स्टेट यूनिट की ओर से एम लीजू का नाम सुझाया गया था, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। फिलहाल उनके पास अलपुजा जिले के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। एक प्रस्ताव यह भी था कि किसी महिला नेता को उच्च सदन में भेजा जाए। इसकी वजह यह है कि केरल से बीते 5 दशकों में कोई महिला नेता राज्यसभा में नहीं रही है। लेकिन 58 वर्षीय श्रीनिवास कृष्णन के प्रस्ताव को लेकर नेताओं में रोष है। कृष्णन को प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा का करीबी माना जाता है। केरल के त्रिशूर के रहने वाले कृष्णन तेलंगाना के प्रभारी है और रॉबर्ट वाड्रा के मालिकाना हक वाली कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी हिस्सा है। एक सीनियर नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी अब भी गलतियों से सीखना नहीं चाहती है। हम अब नॉमिनेशन की पॉलिटिक्स नहीं चलने देंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब को लेकर सुनाए गए फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने आज कर्नाटक बंद बुलाया है। मुस्लिम नेताओं ने स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया है। आज के बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है। मुस्लिम नेता सगीर अहमद ने कहा कि बंद के लिए किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। गौरतलब है कि अदालत ने मंगलवार को मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें शिक्षण अवधि के दौरान शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है और विद्यालय के यूनिफॉर्म का निर्धारण केवल एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र छात्राएं आपत्ति नहीं कर सकते। न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के पास इस संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार है। अदालत के फैसले के बाद छात्रों की ओर से दिए गए बयान पर मौलवियों ने आपत्ति जताई है। मौलवियों ने कहा कि न्यायालय के फैसले से घबराने की जरूरत नहीं है, हमें भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत है। कांग्रेस नेता और सीनियर वकील कपिल सिब्बल से बात हो चुकी है। अमीर शरीयत ने सभी नेताओं को सलाह दी कि वे समाज में अनावश्यक भ्रम पैदा न करें। अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल के सीईओ धनंजय तिवारी ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने उनके इस्तीफे के कारणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन नियामक फाइलिंग में कहा कि तिवारी 15 मार्च 2022 से सेवामुक्त हो गए हैं। भारी कर्ज में डूबी ये कंपनी बिकने जा रही है और इसे खरीदने की होड़ में अडानी फिनसर्व समेत कई कंपनियां शामिल है। अभी ये कंपनी एनसीएलटी की मुंबई ब्रांच में कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस में है। रिजर्व बैंक ने 20 नवंबर 2021 में रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था। कंपनी ने पेमेंट में डिफॉल्ट किया था और उसके कामकाज पर भी सवाल उठाए गए थे। केंद्रीय बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नागेश्वर राव वाई को कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया था। अब इस कंपनी को खरीदने में अडानी फिनसर्व, केकेआर, पीरामल फाइनेंस और पूनावाला फाइनेंस समेत 14 प्रमुख कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। रिलायंस कैपिटल के लिए बोलिया दाखिल करने की तारीख 11 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 मार्च कर दिया गया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग सहित कई कंपनियां कर्ज का भुगतान करने में नाकाम रही, जिसके बाद बैंकों ने उन्हें बैंकरप्सी कोर्ट में घसीट लिया। अनिल अंबानी पर फरवरी 2020 तक 30 करोड़ 5 लाख डॉलर का कर्ज था, जबकि उनकी असेट्स केवल
8 करोड़ 2 लाख डॉलर थी। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी कभी देश के तीसरे सबसे बड़े रईस थे, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ 0 है। अमेरिकी कांग्रेस को दिए अपने भावुक संबोधन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि वो सैकड़ों बच्चों पर रूसी कार्रवाई को देखकर निराश हो चुके हैं। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस के खिलाफ अमेरिका यूक्रेन को उनकी रक्षा में सहायता के लिए और अधिक विमान रोधी वाहन हथियार और ड्रोन भेज रहा है। वहीं पड़ोसी देशों चीन, हांगकांग समेत एशिया और यूरोप के अन्य देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देख भारत भी तनाव में आ गया है। उधर संयुक्त राष्ट्र ने यह मानते हुए कि दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के प्रति पूर्वग्रह व्याप्त है, हर वर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसी बीच चीन ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी कांग्रेस को दिए अपने भावुक संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि वह सैकड़ों बच्चों पर रूसी कार्रवाई को देखकर निराश हो चुके हैं। जेलेंस्की ने कहा कि कोई नहीं जानता और अगर यूक्रेन इस जंग में हार जाता है तो इस युद्ध में आगे क्या होगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि 80 साल पहले हम यह देख चुके हैं जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और कोई भी इसे लेकर भविष्यवाणी नहीं कर पाया था। एक सवाल के जवाब में जेलेंस्की ने कहा कि वह राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ेंगे अगर रूस सीज फायर समझौते के रूप में उनके सामने इस तरह की शर्त रखता है। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने बाइडेन को वर्ल्ड लीडर बनने के लिए कहा और रूस को रोकने के लिए और अधिक प्रतिबंधों के साथ लड़ाकू विमानों की मांग की। जेलेंस्की ने कहा कि मैं लगभग 45 साल का हूँ, आज जब 100 से अधिक बच्चों के दिल धड़कना बंद कर चुके हैं तो मैं देखता हूँ कि जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मैं राष्ट्रपति बाइडेन को संबोधित करता हूँ, आप एक महान देश के नेता हैं, मैं चाहता हूँ कि आप दुनिया के नेता बने। दुनिया के नेता बनने का मतलब है शांति का नेता। उन्होंने अमेरिकी सांसदों को युद्ध के बाद तबाह हुए यूक्रेन का एक वीडियो भी दिखाया। उनके संबोधन से पहले और बाद में सांसदों ने खड़े होकर यूक्रेनी राष्ट्रपति का अभिवादन किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस के खिलाफ अमेरिका यूक्रेन को उसकी रक्षा में सहायता के लिए और अधिक विमान रोधी वाहन हथियार और ड्रोन भेज रहा है। बाइडेन ने कहा कि हम यूक्रेन को आगे आने वाले सभी कठिन दिनों में लड़ने और अपनी रक्षा करने के लिए हथियार देने जा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिकी संसद से और अधिक मदद की अपील करते हुए पर्ल हार्बर और 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमलों का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उनके देश के ऊपर उड़ान वर्जित क्षेत्र की घोषणा संभव नहीं हो सकती है। अमेरिकी संसद परिसर में सीधे प्रसारण वाले अपने संबोधन में जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका को रूसी सांसदों पर अवश्य ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए और रूस से आयात रोक देना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने देश में युद्ध से हुई तबाही और विनाश का एक मार्मिक वीडियो सांसदों से खचाखच भरे एक सभागार में दिखाया। जेलेंस्की के संबोधन के कुछ घंटों बाद बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की ओर अधिक मदद देने जा रहा है। जेलेंस्की ने उड़ान वर्जित क्षेत्र की घोषणा करने पर जोर देने के बजाय रूसी हमला रोकने के लिए सैन्य मदद मांगी। बता दें कि व्हाइट हाउस ने उड़ान वर्जित क्षेत्र घोषित करने के जेलेंस्की के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उनके संक्षिप्त संबोधन के पहले और बाद में सांसदों ने अपनी सीट पर खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। देश में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो रही है, लेकिन पड़ोसी देशों में कोरोना के बढ़ रहे मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। चीन, हांगकांग समेत एशिया और यूरोप के अन्य देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। चीन ने कोरोना पर लगाम के लिए कुछ इलाकों में बेहद सख्त लॉकडाउन लगाया है। शेंजेन एवं चांगचून में खानपान, ईंधन एवं अन्य जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी कारोबार बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बस एवं मेट्रो सेवाएं भी बंद कर दी गई है। वहां के लाखों निवासियों को संक्रमण की जांच कराने को कहा गया है। यहाँ कोरोना संक्रमण के मामलों के पीछे ओमिक्रॉन का सब वेरियंट BA.2 सामने आया है। यह ओमिक्रॉन से कहीं अधिक संक्रामक है। वहीं यूरोप में बढ़ रहे मामलों के पीछे डेल्टाक्रॉन को बताया जा रहा है। हालांकि देश में अभी कोरोना के डेली मामले पिछले कई दिन से 3000 से कम दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहाँ दक्षिणी सिंध प्रांत में अब तक कोरोना के 5,72,555 मामले सामने आ चुके हैं। यह देश का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। इसके बाद पूर्वी पंजाब प्रांत है जहां कोरोना के 5,04,045 मामले दर्ज किए गए हैं। पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में कोरोना के 493 नए मामले सामने आए।
यह जानकारी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने दी। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के खिलाफ देश के अभियान का नेतृत्व करने वाले विभाग एनओसी ने कहा कि देश में पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 15,20,120 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने यह मानते हुए कि दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह व्याप्त है, हर वर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के प्रस्ताव को 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने रखा, जिसे कई देशों के समर्थन से पास कर दिया गया, लेकिन भारत और फ्रांस ने इसका विरोध किया। भारत ने इस वैश्विक मंच पर एक बड़ी लकीर खींचते हुए कहा कि डर, भय या पूर्वाग्रह की भावना किसी एक धर्म के प्रति नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों को लेकर है। ऐसे में किसी एक धर्म के लिए फोबिया को स्वीकार करने और अन्य दूसरों को नज़रअंदाज कर देने की जगह सभी धर्मों को समान तरजीह दी जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत TS तिरुमूर्ति ने सुझाव दिया कि इस्लामोफोबिया की जगह रिलीजियोफोबिया डे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फोबिया, जिसे हिंदी में किसी के प्रति डर, भय या पूर्वाग्रह की भावना के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है, वह किसी एक धर्म को लेकर सीमित नहीं है। इस्लामोफोबिया डे मनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारत के राजदूत ने कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग धार्मिक समुदायों के प्रति भय, नफरत और पूर्वाग्रह की भावना देखी जा रही है, न कि सिर्फ अब्राहमिक आस्था के प्रति। अब्राहमिक आस्था में इस्लाम, ईसाई, यहूदी जैसे धर्म आते हैं जो एक खुदा को मानते हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ है। भारतीय राजदूत ने अफगानिस्तान के बामियान में बुद्ध की विशाल मूर्ति को ध्वस्त करने, मंदिरों और गुरुद्वारों पर हो रहे हमले, गुरुद्वारे में सिख श्रद्धालुओं का नरसंहार और मंदिरों की मूर्तियां तोड़े जाने को गौरवान्वित किए जाने आदि के उदाहरण गिनाए और कहा कि ये उदाहरण सबूत है कि गैर अब्राहमिक धर्मों के प्रति कितनी नफरत पनप चुकी है। भारत और चीन के बीच पिछले करीब 2 सालों से संबंध खराब रहे हैं। इस बीच चीन ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वह भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी 24 मार्च के करीब भारत के दौरे पर आ सकते हैं। इसके बाद भी कई दौरे प्रस्तावित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वांग यी के भारत दौरे के बाद भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चीन दौरे पर जाएंगे। इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप पोलित ब्यूरो के सदस्य भारत का दौरा करेंगे। चीन ने दोनों देशों में भारत चीन सभ्यता संवाद आयोजित करने का प्रस्ताव भी दिया है। बीजिंग की ओर से भारत चीन व्यापार निवेश सहयोग मंच और भारत चीन फिल्म फोरम का भी प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन चीन का अंतिम मकसद पीएम मोदी को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मेजबानी करना है। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन के साथ ही चीन को इस साल रूस भारत चीन सम्मेलन की भी अध्यक्षता करनी है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर मसले को देखते हुए पीएम मोदी के लिए शी जिनपिंग के साथ व्यक्तिगत बैठक में भाग लेना राजनीतिक तौर पर मुश्किल है। दोनों नेता आखिरी बार नवंबर 2019 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील में मिले थे। अक्टूबर 2019 में शी ने महाबलीपुरम में एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा किया था। चीन में होने वाला अंतिम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2017 में जियामी में हुआ था, जिसमें मोदी ने भाग लिया था। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।